Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of SST history. The chapter name is Life in Towns and Villages. इसका first second part मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. इसमें मैंने आपको बताया था features of second urbanization, increased agrarian production, increase in trade. फिर next मैंने आपको बताया था types of urban centers. मार्केट टाउन्स, रिलीजियस टाउन्स, कोस्टल टाउन्स, फिर अर्बन सेंटर्स विद मेनी फंक्शंस पढ़ा दिया था, तक्षशिला और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. लिटरेचर अब आज है हमारा पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. अभी तक हम सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे. अब इसमें क्या है, पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस. टाउन और विलेजेस में पीपल का क्या रोल था. देयर आर सेवरल रेफरेंसेस टू विलेजेस एंड टाउन्स इन पाली टेक्स्ट. पाली टेक्स्ट में, पाली एक भाषा है, इसमें जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उनमें विलेजेस और टाउन्स के बारे में बहुत सारी बातें दी गई हैं. मैनी ऑफ दीज टाउन्स सीम टू बी सिचुएटेड बिटवीन क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस. क्लस्टर्स मीन्स होता है ग्रुप, झुंड. मेनी ऑफ दीज टाउन्स सीम टू बी सिचुएटेड. ये सारे टाउन्स जो थे वो एक झुंड में थे, मीन्स ग्रुप में थे. कई सारे विलेजेस, कई बिटवीन क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस, मीन्स बहुत सारे विलेजेस के बीच में टाउन्स थे. दीज टेक्स्ट स्पीक ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ विलेजेस. टेक्स्ट से, पाली टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि बहुत थ्री टाइप्स के विलेजेस थे उस समय, यानी कि सेकेंड अर्बनाइजेशन में. द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूडेड विलेजेस इनहेबिटेड बाय डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज. जो फर्स्ट कैटेगरी थी विलेजेस की, उसमें क्या होता था कि लोग रहते थे, विलेजर्स रहते थे जो कि डिफरेंट कास्ट के होते थे और कम्युनिटी के होते थे. एंड वॉज हेडेड बाय अ विलेज हेडमैन, और जिनका एक विलेज हेडमैन होता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक कहा जाता था, ग्रामिणी या ग्रामिका, ये तीनों नाम होते थे उनके. दे ऑल्सो सर्व्ड एज द पुलिसमैन एंड द जज एट टाइम्स. और वो जो हेडमैन होता था वो पुलिसमैन या जज की तरह भी वर्क करता था सिचुएशन के अकॉर्डिंग. द सेकेंड वर क्राफ्ट विलेजेस और सबर्बन विलेजेस. सबर्बन यानी कि उपनगर, जो नगर से भी बड़ा होता है उसे कहते हैं सबर्बन विलेज. तो सेकेंड वर क्राफ्ट विलेजेस. सेकेंड जो थे, जो सेकेंड कैटेगरी थी वो क्या थी, क्राफ्ट विलेजेस थे, सबर्बन विलेजेस थे. वेयर क्राफ्ट्समैन लिव्ड, जहां पर क्राफ्ट्समैन यानी कि शिल्पकार जो हाथ से बनी हुई वस्तुओं का यूज करते थे वो रहते थे. फॉर एग्जाम्पल्स अ कारपेंटर्स विलेज ले क्लोज टू वाराणसी. एग्जाम्पल के लिए कारपेंटर्स विलेज ले टू क्लोज टू वाराणसी, यानी कि कारपेंटर का जो विलेज होता था वो वाराणसी के पास था. दीज विलेजेस सर्व्ड एज मार्केट्स फॉर अदर विलेजेस. ये विलेज जो थे वो मार्केट की तरह दूसरे विलेजेस के द्वारा यूज किए जाते थे, उनके द्वारा यूज किए जाते थे. एंड एज लिंक्स विद द टाउन्स, और इनका लिंक टाउन से होता था. द थर्ड कैटेगरी वॉज बॉर्डर विलेजेस. जो थर्ड कैटेगरी थी विलेज की, जैसे कि मैंने बताया थ्री टाइप्स ऑफ विलेजेस थे, तो थर्ड कैटेगरी में क्या था, थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी वॉज बॉर्डर विलेजेस. इनमें बॉर्डर विलेजेस थे विच मर्ज विद फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट से जुड़े हुए थे, जंगलों से जुड़े हुए थे. पीपल लिविंग हियर वर मोस्टली हंटर्स एंड गैदरर्स. यहाँ पर जो लोग रहते थे वो ज्यादातर हंटर्स यानी शिकार करने वाले, और गैदरर्स यानी कि इकट्ठा करने वाले, शिकार करके इकट्ठा करने वाले, जो कि अपने खाने के लिए इधर उधर भटकते थे, ऐसे लोग थर्ड कैटेगरी में आते थे. जनरली इन दीज विलेजेस द भोजक वॉज द, भोजक कौन था, यानी हेडमैन. भोजक वॉज द बिगेस्ट लैंड ओनर, और इन विलेजेस में जो भोजक था वो लैंड ओनर, बिगेस्ट लैंड ओनर कहलाता था. लैंड ओनर यानी कि जमीन का मालिक. अदर रिच पीजेंट
वर नोन एज गृहपतिस, गृह पीजेंट यानी किसान। दूसरे जो रिच किसान होते थे, रिच फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, उन्हें गृहपति कहा जाता था या गहपति कहा जाता था। स्मॉलर पीजेंट्स वर नोन एज कृषक और कसक, कसकास। और जो स्मॉलर पीजेंट अभी तक जो रिच होते थे उनको गृहपति कहा जाता था, और जो स्मॉलर पीजेंट होते थे जो पुअर होते थे उन्हें कृषक या कसक कहा जाता था। द कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर्स यानी कि फार्मर्स। देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड द लैंडलेस लेबरर्स और द दसास एंड कर्मकरस हु कल्टीवेटेड द लैंड्स ऑफ द रिच पीपल। देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड लैंडलेस लेबरर्स, ऐसे लेबरर्स वहां होते थे, मजदूर होते थे जिनके पास, जो लैंडलेस थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, तो वो दूसरी की जमीन पर काम करते थे। और दूसरों की जमीन पर काम करने वालों को क्या कहा जाता था? दसास और कर्मकरस। बिसाइड्स दीज देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्टमैन इन द विलेज लाइक पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, वीवर एंड कारपेंटर्स। इनके अलावा और भी क्राफ्ट्समैन होते थे जैसे कि पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स एंड कारपेंटर्स। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट। सेकेंड अर्बनाइजेशन में आर्ट और क्राफ्ट का क्या रोल था? दिस पीरियड 700 टू 200 BCE, BCE यानी बिफोर क्राइस्ट एरा। इस पीरियड में 700 BCE से 200 BCE तक इज ऑल्सो नोटेड फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और इस समय एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी, पॉटरी यानी कि बर्तन बनाना, एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी यूज की जाने लगी जिसे कहा जाता था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इट इज अ वेरी ग्लॉसी शाइनी टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। ये बहुत ही ग्लॉसी, ग्लॉसी यानी कि स्मूथ शाइनी पॉटरी होती थी जो कि नॉर्थ इंडिया में थी। हेंस द नेम, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि नॉर्दर्न ब्लैक, वैसे ही ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती थी। दिस पॉटरी सजेस्टेड दैट इट वॉज यूज बाय द रिचर क्लासेस। और ये पॉटरी बहुत ही हाई एक्सपेंसिव होती थी, इसलिए ये रिचर क्लासेस यानी कि रिच पीपल के द्वारा यूज की जाती थी। इन द टाउन सेवरल क्राफ्ट्स वर प्रैक्टिस्ड एज दे वर इनहेबिटेड बाय क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट। मर्चेंट यानी कि व्यापारी और क्राफ्ट्समैन यानी शिल्पकार, हाँ, जो क्राफ्ट बनाते हो। इन द टाउन सेवरल क्राफ्ट्स वर प्रैक्टिस। उस टाउन में जैसे जैसे टाइम पास होने लगा बहुत सारे क्राफ्ट मेकिंग होने लगे, अलग अलग तरीके के क्राफ्ट बनने लगे। एज दे वर इनहेबिटेड बाय क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स, क्योंकि वहां पर क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट रहते थे। दीज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन फॉर्म देयर ओन एसोसिएशन नोन एज ट्रेनीज और गिल्ड्स। गिल्ड्स के बारे में आपने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा है। और ये मर्चेंट और क्राफ्ट्समैन क्या थे? अपने एसोसिएशन बनाते थे, एक लिंक बनाते थे जिससे वो हेल्प लेते थे। वो क्या होते थे? गिल्ड्स, ये ग्रुप ऑफ पीपल, इन्हें श्रेणीज कहा जाता था। द टेक्स्ट मेंशन गिल्ड्स ऑफ स्मिथ, द टेक्स्ट मेंशन गिल्ड्स ऑफ स्मिथ पेंटर्स, कारपेंटर्स, लेदर वर्कर्स और आइवरी वर्कर्स इन टाउन्स। तो क्या होता था? टेक्स्ट में ये दिया है, जो पाली टेक्स्ट हमने पढ़ा उसमें क्या दिया था कि जो गिल्ड्स होते थे वो स्मिथ, उनमें स्मिथ पेंटर, कारपेंटर, लेदर वर्कर और आइवरी वर्कर्स आते थे। आइवरी यानी कि जो हाथी दांत के बनी हुई वस्तुएं बनाते थे, हाथी दांत से वस्तुएं बनाते थे, उन्हें आइवरी वर्कर्स कहते हैं। दीज गिल्ड्स एक्टेड एज ट्रेनिंग सेंटर। ये जो गिल्ड्स होते थे, ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, ये ट्रेनिंग सेंटर्स की तरह वर्क करते थे, लोगों को ट्रेन करते थे क्राफ्ट बनाने के लिए। एंड बैंक्स फॉर पीपल, और लोगों की हेल्प के, एज अ बैंक भी हेल्पफुल होते थे। दे ऑल्सो प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट
जनरली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और लॉन्ग डिस्टेंसेस पर वो पहले रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल को वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाते थे, और फिर लॉन्ग डिस्टेंस पर उसको एक्सपोर्ट करते थे। रिमेंबर द टाउन्स वर ऑल्सो द सीट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेंस द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो टाउन्स होते थे, टाउन्स वर ऑल्सो सीट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, जो टाउन्स होते थे उसमें प्रशासन की भी अलग एक जगह थी। द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का एक पार्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते थे। नेक्स्ट केस स्टडी में है अरिका मेडू। अरिका मेडू इन पुडुचेरी वॉज अ पोर्ट टाउन। पुडुचेरी में अरिका मेडू एक पोर्ट टाउन था, इंगेज इन ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, जो रोम से ट्रेड यानी कि व्यापार करने के लिए इंगेज था। वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ सच ट्रेड फ्रॉम एन एंशियंट कोला कॉइन डेटिंग बैक टू 1 BCE। वेट अ सेकेंड, वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ सच ट्रेड, इस तरह के व्यापार के लिए हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता था कि एंशियंट टाइम में कुछ कोला क्वाइंस डेटिंग बैक टू 1 BCE, 1 BCE में से रिलेटेड कोला क्वाइंस चलते थे उस समय। सम नेम्स ऑन सील्स दैट वर फाउंड हियर हैव बीन मेंशन इन संगम लिटरेचर एज वेल, और कुछ सील्स का भी यूज किया जाता था, जो कि संगम लिटरेचर आप पहले पढ़ चुके हैं, जो कई सारे लिटरेचर्स का एक संगम था उसे संगम लिटरेचर नाम दिया गया था, उसमें भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, लिखा गया है। देयर इज ऑल्सो एविडेंसेस ऑफ डाइंग क्लोथ्स एज स्मॉल टैंक्स विच वर प्रोबेबली यूज्ड एज डाइंग बेड्स हैव बीन फाउंड, और कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जिससे कि पता चलता था कि उस समय वहां पर अरिका मेडू में डाइंग क्लोथ्स का भी प्रचलन था, कपड़े रंगे जाते थे, कलर किए जाते थे, जिसके लिए स्मॉल स्मॉल टैंक्स मिले हैं। बिसाइड्स मैरीटाइम कॉमर्स देयर आर एविडेंसेस टू सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ अरिकामेडु आल्सो कैरीड इन लैंड ट्रेड विद अदर मेगालिथिक साइट अलोंग रिवर वैली रूट्स लाइक कावेरी पट्टिनम मुसिरी सुटू केनी, ये जगहों का नाम है, ये रूट्स के नेम है, ये सारे से रिलेटेड थे, यानी कि वहां मैरीटाइम कॉमर्स यानी कि समुद्री व्यवसाय चलता था, जिससे कि कई जो कि अरिकामेडु में ही था, और वहां मेगालिथिक साइड से कई रिवर्स से होते हुए रूट्स, इन सारे रूट से व्यापार किया जाता था। वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर फेवर्ड आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट यानी कहीं से खरीद करके लाना, एक्सपोर्ट यानी कि बेचना। वाइन और ऑलिव ऑयल जो था वो मेन आइटम था उनके इम्पोर्ट का। द आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट इंक्लूडेड टेक्सटाइल बीड्स सेमी प्रीशियस जेम्स ग्लास एंड शेल बैंगल्स, ये सारे एक्सपोर्ट करते थे वो लोग, बेचते थे। टेक्सटाइल बीड्स सेमी प्रीशियस जेम्स ग्लास और शेल बैंगल्स को वो बेचते थे। द रोमन्स मस्ट हैव यूज द रेड सी टू कम टू इंडिया एज ट्रेसेस ऑफ बीड्स हैव बीन फाउंड इन अलेक्जेंड्रिया एंड अदर रेड सी पोर्ट्स, और रेड सी पर कुछ पोर्ट्स बनाए गए थे जो कि रोमन के लिए, जो कि रोम से वहां पर व्यापार चलता था, तो क्या करते थे वो आने जाने के लिए इसका यूज करते थे रेड सी का। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अब एक्सरसाइज पर हम आएंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप बुक में कर लीजिएगा। फिलअप है, इसको भी बुक में कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है, ये ट्रू फॉल्स 3 तक दिया है, 1 2 3 इसको होमवर्क में बुक में ही कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। फाइव क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए हैं, इसको कॉपी में कर लीजिएगा एंड ऑल्सो लर्न इट।
वॉट इज मीन बाय एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, वॉट वर द आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट एट एरिका मेडू, अभी आपने पढ़ा वाइन एंड ऑलिव ऑयल। डिफाइन सेकेंड अर्गनाइजेशन, वॉट वर गिल्ड्स, वॉट वर देयर फंक्शंस, वॉट इंफॉर्मेशन कैन वी गेट फ्रॉम द कॉइन्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। ये फाइव क्वेश्चंस हैं, यू विल हैव टू राइट इट ऑन योर कॉपी। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास, गुड डे।